अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज मी फायजा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो आप सबको जश्न आमद शहजादा अली अकबर इब्न इमाम हुसैन अली सलाम बहुत 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 मुबारक हो। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग मौला हुसैन के लाडले का जश्न कैसे मनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज का डेकोर। यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारे घर की जरी है, ये मौला गाजी अब्बास की जरी है, ये मौला हुसैन की जरी है, ये खाना काबा का गिलाफ है, ये रोजा है, ये वो प्लेट है जो रिजन बाय एवरीथिंग 1999 की तरफ से गिफ्ट आई थी, और ये है आज का डेकोर। अभी मैंने लाइट्स ऑन नहीं की, मैंने कहा सबसे पहले आप लोगों को ऐसे दिखा देते हैं क्योंकि फिर लोग आते हैं तो पता नहीं लगता। तो ये था डेकोर। आप सब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का डेकोर कैसा लगा। तो आज का जो हमारा जश्न है वो मंसूब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासे के बेटे हज़रत इमाम हुसैन के बेटे शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की। आज 11 शाबान है और आज उनका जहूर है। इमाम हुसैन के घर में शहजादा अली अकबर का जहूर हुआ था तो दूर दूर से लोग उनकी ज्यारत करने के लिए आते थे। वो क्यों? क्योंकि उनको हम शक्ले पैगंबर कहा जाता था। जिन लोगों ने नबी पाक की ज्यारत करनी होती थी ना, मौला हुसैन के घर में लोग आते थे। हम जश्न मुबारक दिखाओ, क्या पहने हैं, बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, आज तो आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्या आप क्या लग रहे हैं? आप अमन लग रहे हो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। फिर आपको अमन पसंद है? कितना पसंद है? इतना ज्यादा पसंद है। आपको कौन पसंद है? अनु, आप मेरे ही बच्चे हो, आप मेरे बेटे नहीं हो, ठीक है? आपका मन पसंद है, आपको अनु पसंद है। ओ, आप मेरा जेन्युइन प्यार हो मेरा। और अब मैं आप सबको दिखाती हूँ मेहंदी शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम और शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की मेहंदी और उनकी दस्तार जिसकी एंड में बरामदगी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा जी, ये जो है ये अम्मी ने अपने हाथों से तैयार किया है, ये फ्रेम नहीं, ये जो मेहंदी है इसमें और ये जो लड़ियां हैं, ये मेहंदी है शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की और ये नज़र की चीज़ें हैं। ये यंग गर्ल्स के लिए बीबी कुबरा के नाम की मेहंदी और चूड़ियां हैं। ये भी मेहंदी है जो सिंगल लड़कियों को लगाई जाएगी, और ये कुछ कैंडल्स हैं जो उस टाइम केक और मेहंदी पर लगेगी, और ये ग्लास है शहजादा कासिम के नाम का, और ये इमाम जामिन हैं जो सब पढ़ने वालियों को पहनाए जाएंगे, ये फ्रूट, और ये शहजादा अली अकबर की बिद है, और ये गजरे हैं जो सबको पहनाए जाएंगे, और सबसे पहले मैं पहनूंगी। और ये जो हैं जोड़े हैं बीबी कुबरा के नाम के, शहजादा अली अकबर के नाम के और शहजादा अली असगर के नाम के, ये सादात को दिए जाएंगे जश्न के बाद, और ये बिद है उसमें दूध है, और ये शहजादा अली अकबर की दस्तार है उनका सेरा है, और ये शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की दस्तार और उनका सेरा है। अस्सलाम जश्न मुबारक। ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और इनका तारुफ मैं डिटेल से आप सबको बाद में करवाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये हमारी क्यूटी सी बेबी बार्बी गर्ल। अस्सलाम वालेकुम, जश्न मुबारक, मुबारक प्रिंसेस। दिखाओ फुल लुक क्या पहना है। वाओ, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। प्रिंसेस तो आप बन रही हैं। और अब देखें वो लोग, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि माँ मेरी तैयार नहीं होती। मैंने आपको कहा है ना, ये सिर्फ जश्नों पे और ईदों पे तैयार होती हैं। ये देखें, वाह वाह, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, मेरी जान। मौला तुझे सलामत रखे, तुझे भी मौला आपको सलामत रखे। आप सलामत हैं तो फिर हम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जश्न मुबारक।
बच के जाती नहीं मौत से क्या डरे मौत से क्या गुजर जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई आ गया है और अभी तक मैं जश्न से उठ के आई हूँ. इन सब ने मुझे कहा है कि इधर आए केक बहुत प्यारा बना है और मैंने अभी तक केक नहीं देखा कि केक कैसा बना है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 2 3 माशाल्लाह मैं सदके मैं कुर्बान माशाल्लाह मैं वारी बिस्मिल्लाह इतना प्यारा केक सदके मेरे मौला I'm
अब मेहंदी की बरामदगी होने लगी है और सुंदर यहाँ पे जो है चिरागा कर रही है। Hours later. बाहर सबको मैंने तकसीम कर दिया है, अब मैं अपने बहनोई को भी बिट दे दूं। किंजा? हाँ जी जरूर। थैंक यू। क्या बिट देते हैं तो वो भी देते हैं ना बहनों को? वो मेरा वॉलेट गाड़ी पैसे पैसे देते हैं। गाड़ी से ये मेरी चाबी ले जो, गाड़ी की गाड़ी ले लूं। गाड़ी ले लो। ये तो बहुत अच्छी बात है, गाड़ी ले लो। तो मुझे बाइक की चाबियां दे रहे हो, ये गाड़ी की चाबी है। दुआ भी देना बहन को यार। अल्लाह नेक्स्ट बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये जो है ये वाला जश्न हम तुम्हारे घर में जो है ना सेलिब्रेट करें। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जश्न भी हो गया और लंगर इमाम हुसैन भी खा लिया, केक भी कट हो गया, सब चले गए हैं और अब हमें टाइम मिला है कि हम लोग खाना खाएं। और इसका हमेशा की तरह भूख से बुरा हाल है और ये वेट कर रही है कि कब मैं अपनी टेंट है बंद करूं और ये खाना, तुम खाना तो डालो ना। जब तक मैं व्लॉग में बोल रही होती हूँ ये प्लेट को देखती रहती है कि ये चुप होंगी तो मैं डालूंगी। और ये देखिए ये माशाल्लाह ट्रेन हो चुकी हैं मेरे बोलने बोलने में, इन्होंने प्लेट भर ली है और खाना भी स्टार्ट कर दिया है। मैं मेरी इतनी मिजाज कि मैं आपकी बेटियों के नवाले के लूं। बड़ा जश्न हो गया, आराम ना बैठ कर इन्हें बच्चियां लंगर दूं। उन्हें देने की जरूरत ही नहीं है, वो देखो ये खा रही है माशाल्लाह खुद ही। तुमने मुझे खिलाया पहले। ये देखे इस लड़की ने बर्तन धो धो के अपना हाथ कटवा लिया। इट्स मीन तुम्हारी मंजूरी होगी है बच्चा। माशाल्लाह चंदा, अल्लाह तुझे जिंदगी दे, बहुत अच्छा हुआ है। मेरी तो मेहनत है सेरों की, बहुत है मेहनत, मगर आपकी मेहनत की कोई मिसाल ही नहीं है। बहुत प्यारा केक था और बड़ा खूबसूरत था। अल्लाह आपको जिंदगी दे। जो जो मेरी तारीफ कर रहा था वो अभी ऑन कैमरा करे, वो दोबारा रिपीट करे। मैं कह रही थी अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, आपने बहुत अच्छा आपको इससे ज्यादा तौफीक दे कि आप मौला के नाम पे खर्च करे। आमीन आमीन। किंजा आप क्या कह रही थी? मैं ये कहती हूँ और की बस। समाना भाजी आप क्या कहती हैं? सबको जश्न बहुत मुबारक हो और बहुत जश्न था, बहुत मंजूरी वाला, बहुत कबूलियत वाला। आपने खाना खा लिया? ठीक से खाया? ठीक से खाया। और खा लें? और खा लें, और खा लें। अपना नाजी आंटी आप इतनी देर से आई हैं? मैं इतनी देर से आई हूँ बस। मैं ये आपने ना सारा टाइम अपनी ये आई लैशेज पे लगाया, ठीक है? ये आई लैशेज की वजह से देर हुई है। मैंने एक मिनट भी लैशेज पे नहीं लगाया, चलते चलते मैं लगा के आई हूँ। इनका सैलून है अपना इधर ही बैरिया में, तो ये जो है एक्सपर्ट है, चलते चलते एक्सटेंशन लगा कर आई है। कमाल है। मैं और सुंदस रह गए थे और मासूमा रह गए थे। एंड में मैं आप सबको बताऊंगी कि ये मेहंदी चूड़ी निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मासूमा की बारी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जल्दी मेरी बच्ची ना कार बर्बाद हो।
12 बजने वाले हैं और 12 बजे हमारी दुआ का बर्थडे होता है। केक अभी हम नहीं लेकर आए क्योंकि शहजादा टेपर का केक काटा था। दुआ का केक हम कल काटेंगे, कल उसको सरप्राइज देंगे, अभी हम उसको विश करने लगे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दुआ, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तुम्हारा हम केक नहीं काट रहे क्योंकि आज हमने शहजादा अली अकबर का केक काटा। खैर कोई बात नहीं। दुआ जी, अच्छा मुझे तो गुगु आपने कभी ऐसे विश नहीं किया। ओ मेरा बर्थडे नहीं है, ओ भाग्यो, ओ भाग्यो मेरा बर्थडे नहीं है। वो लोग जो मेरे व्लॉग के नीचे आके जिनको इंतजार होता है नीचे बिदत 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 लिखने का, उन लोगों के लिए मैंने थोड़ी सी ना इन्फॉर्मेशन उन लोगों को देनी थी। आज जो हमने शहजादा अली अकबर और शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी निकाली है, हम जब जलूस में भी इस तरह मेहंदियाँ निकालते हैं तो बहुत से लोग जो हैं इस बात पे एतराज़ करते हैं, फतवे लगाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि ये तो मेहंदियाँ लगा रहे हैं, ये तो बड़ी शादियाँ मना रहे हैं। ऐसा नहीं है। करबला में जब शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की और शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले एक दिन के दुल्हा थे, ठीक है, इमाम हुसैन की बेटी की जो शादी थी वो इमाम हसन के बेटे शहजादा कासिम से हो रही थी, तो ये एक दिन के दुल्हा थे। अरमान है ये जो हम लोग निकालते हैं, करबला में कोई मेहंदी नहीं हुई, करबला में कोई गाने नहीं हुए, करबला में कोई सेरे नहीं हुए, नहीं खुशियां मनाएंगी, मां बहनों की हम लोग अरमान पूरे करते हैं। ऐसा ही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, जैसे कोई यंग लड़का या यंग लड़की की डेथ हो जाती है तो आप सब ने देखा होगा जनाजों पे उनको लाल दुपट्टे पहनाए जाते हैं, तो वो क्यों पहनाए जाते हैं? जनाजों को तो लाल दुपट्टे नहीं पहनाए जाते ना, वो अरमान पूरे किए जाते हैं। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हुई होती ना और वो शादी से पहले उनकी डेथ हो जाए तो उनके घर वाले उनको कफन के ऊपर लाल दुपट्टा पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं? क्योंकि ये उनके अरमान होते हैं जो वो पूरे नहीं कर पाते। तो मैंने आपको ये मिसाल छोटी सी इसलिए दी है कि आप लोगों के जहनों में ये जो बात है वो क्लियर हो जाए कि हम जो मेहंदियाँ और ये सब निकाल रहे हैं ना, हम खुशियों से मेहंदियाँ निकाल रहे थे लेकिन हम उस टाइम भी रो रहे थे, उस टाइम भी हमारे दिल पिघल रहे थे। और ये जो सब है ना, ये अरमान है बीबी जैनब का, बीबी फरवा का, बीबी लैला का, बीबी सुगरा का, कि वहाँ पर कोई मेहंदियाँ नहीं हो सकी करबला के मैदान में। सबको पता था कि एक दिन के बाद, एक रात के बाद सब शहीद हो जाएंगे, तो ये उनके अरमान हैं जो हम लोग पूरे करते हैं, उनके चाहने वाले जो है ये उनकी खुशियां करते हैं। और आप सबको अच्छे से पता है कि इस्लाम में सिर्फ निकाह का हुक्म दिया गया है, ये उपटन, मेहंदियां, ये ढोल, बाराती और ये सब वलीमा है, बाकी जितनी भी रस्में रिवाज हैं इसका कुरान में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जितनी इन सब का ताल्लुक आपके दिल से है, ये अरमान जो आप लोग पूरे कर रहे होते हैं, ये अकीदतमंदी है। एग्जैक्टली सही कह रही हैं। तो ये जितनी भी चीजें हो रही होती हैं, ये आप जो हैं नजराने मोहम्मद वाले मोहम्मद की, इसमें कोई शरी तौर पे नहीं है कि आप इस चीज को ना करें, बल्कि ये तो आपकी अकीदतमंदी और इस्लाम के दायरे में एक हदूद है कि जिसमें आप अपने प्यारों के अरमान पूरे करते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है। तो इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पर खत्म। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वैसे मेरा ये कहना बनता नहीं है, जिन हस्तियों का जश्न है किसी की औकात नहीं है कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे। तो इस ब्लॉग को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट का मुझे इंतजार है। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।